आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। एक उपदेश मीडिया एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो अपनी पहुंच के माध्यम से अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान करता है। अब उपदेश मीडिया द्वारा अहमदाबाद के हयात वस्त्रपुत्र में एक एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक स्कूल प्रिंसिपल अध्यक्ष और निदेशक शामिल हुए। यह भारत के शिक्षा नेताओं और अग्रणी शैक्षणिक स्थानों का सम्मान करने वाला एक भव्य कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में कई शिक्षकों ने भाग लिया और शिक्षकों को उनके भविष्य के प्रयासों में मदद करने के लिए अपने अविश्वसनीय विचार और जीवन के अनुभव साझा किए। पेश है अहमदाबाद से नीता लिम्बाचा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम गगनदीप सिंह है। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ एक उपदेश मीडिया को। जो इवेंट है इसका नाम है एजुकेशन एक्सलेंस कॉन्क्लेव, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक उपदेश मीडिया। जो मेन मोटिव है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का है कि डिस्कस जो एजुकेशन में एडटेक एवोल्यूशन आ रहा है, कोविड के बाद जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है स्कूल्स में, उसको डिस्कस करने के लिए हमने इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, जहां पर 500 से ऊपर स्कूल्स के डायरेक्टर और प्रिंसिपल पूरे गुजरात से यहां पर आ रहे हैं टू डिस्कस कि स्कूल्स में कौन सी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और उनसे बच्चों को क्या क्या बेनिफिट होगा। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी आएगी तो क्या नुकसान होगा, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, टीचर्स की जॉब चली जाएगी, तो उन सब के आंसर्स देने के लिए यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आई हैं जो एक्चुअली बता रही हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी स्कूल में अपग्रेड करते हैं तो उनमें स्कूल में क्या बेनिफिट है, बच्चों की कैसे ग्रोथ होगी, बच्चों के जो मेंटल की डेवलपमेंट है वो कैसे होगी। बिकॉज आजकल सबसे बड़ा टॉपिक है जिसके वो है मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ वो हैम्पर हो रही है, उनको कितना पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दे। इसलिए हमने यहाँ पर हेड्स बुलाए हैं जो वर्कशॉप दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, पैनल डिस्कशन ले रहे हैं, जिसके माध्यम से जिनके माइंड में जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी हमें अपग्रेड करनी है, क्या चेंजेस स्कूल में लाने चाहिए, जिससे स्कूल हमारा एक अच्छे लेवल पे एनहेंस हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जाए। इसलिए 500 से ज्यादा स्कूल्स पूरे गुजरात से यहाँ पर आए हैं, सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं,